हाय गाइस, स्वागत एक बार फिर से नई रेसिपी में। तो आज हम बनाने वाले हैं बिल्कुल हलवाई स्टाइल में दानेदार कलाकंद। तो दानेदार कलाकंद हलवाई किस तरीके से बनाते हैं, तो चलिए बनाना हम स्टार्ट करते हैं। अब वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कलाकंद बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हमने एक कांच का बाउल ले लिया है और बाउल में हमने डाला है 1 कप दूध। दूध हमारा पहले से उबला हुआ है, इसमें थोड़ी सी मलाई है। उसके बाद में हमने इसमें 1/4 कप हमने डाला है शुगर यानी कि 50 ग्राम, और 1 कप हमने डाला है मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। और उसके बाद में इस तरीके से हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसको हम अच्छे तरीके से बिल्कुल मिक्स कर लेंगे। क्या होगा अगर हम पैन में इसे मिक्स करेंगे या हम गैस जलाने के बाद इसको मिक्स करेंगे तो उसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी, बहुत ही ज़्यादा मोटी गुठलियाँ पड़ जाएंगी। इसलिए इसको हमने पहले मिक्स कर लेना है ताकि गुठलियाँ बारीक हों और दानेदार हमारा कलाकंद बनके तैयार हो। तो इसलिए हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। उसके बाद में हमने गैस का फ्लेम ऑन किया है और एक पैन रखा है जो कि हमने बिल्कुल गैस का फ्लेम लो रखना है। तो ये देखिएगा, इस लो फ्लेम पे हमने गैस ऑन कर लिया है और उसके बाद में इसको हमने अच्छी तरीके से चलाते हुए इसको हम थिक करेंगे, तो यानी कि हम इसके गाढ़ा करेंगे। इसको हम कम से कम नहीं तो 10 से 12 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। 10-12 मिनट तक हम इसे इसी तरीके से पकाएंगे लगातार चलाते हुए, क्योंकि मिल्क पाउडर से बनाया गया है तो मिल्क पाउडर जो होता है वो पैन में बहुत ही जल्दी चिपक जाता है नीचे। तो इसलिए हमको इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे हमने गाढ़ा करना है, यानी कि अच्छे तरीके से हमने इसे गाढ़ा कर लेना है। और उसके बाद में हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा रोज़ एसेंस। तो ये देखिए, रोज़ वाटर हमने डाला है, एसेंस नहीं है हमारे पास, तो हमने रोज़ वाटर डाल दिया है। और उसके बाद में इस तरीके से हमने इसको चलाते रहना है। तो ये देखिए गाइस, चलाते चलाते हमें करीब 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, और 5 से 7 मिनट में हम ये देख सकते हैं कि ये काफ़ी थिक और गाढ़ा हो चुका है। तो ये देखिए, इस तरीके से थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, और इसको भी अभी भी हम इसे एकदम से इसे हमने बर्फ़ी की सेप में इसे हम गाढ़ा करेंगे। तो इसलिए इसको अभी अब चलाते रहना है। उससे पहले हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे 1 चम्मच घी। घी से क्या होता है कि इसमें बाइंडिंग आ जाती है और इसका टेस्ट जो होता है वो बिल्कुल मावे की तरह लगेगा, यानी कि एकदम मावा जैसे कलाकंद होता है, मावे से प्योर दूध से बनाया हुआ, बिल्कुल उसी तरीके से इसका टेस्ट आएगा। और घी डालने का एक और वजह है कि इससे आपकी बर्फ़ी जल्दी ख़राब नहीं होती है और लॉन्ग टाइम तक आप इसे स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद में ये देखिए, करीब हमें 10 से 10-10 मिनट हो चुके हैं इसे पकाते हुए, और आप देख सकते हैं कि बर्फ़ी बन जमने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे इसी तरीके से हम थोड़ा सा और 1 मिनट तक इसमें इसे पका लेंगे, क्योंकि अभी भी इसमें थोड़ा सा पानी है, तो इसलिए इसको हमने थोड़ा सा और पका लेना है ताकि इसका पानी जो है वो बिल्कुल सूख जाए। तो उससे पहले हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा इलायची का पाउडर टेस्ट के लिए। आपके पास है तो ऐड कर सकते हैं, या फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि रोज़ वाटर हमने ऐड किया हुआ है तो फ्लेवर के लिए काफ़ी है। तो उसके अगर है आपके पास तो डाल दीजिए, नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद में इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, और हल्का सा इसका जब पानी सूख जाएगा तो हम इसे गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, क्योंकि बर्फ़ी हमारी जमने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो ये देख सकते हैं, हमारी बर्फ़ी जो है वो जमने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, गैस का फ्लेम जो है वो हम बंद कर देंगे। तो आप देख सकते हैं एकदम दानेदार हमारा कलाकंद जो है वो बिल्कुल दानेदार तैयार हो चुका है। तो गैस का फ्लेम यहाँ पे हम बंद कर देंगे, और एक हमने ले लिया है यहाँ पे ट्रे। तो एक ट्रे ले लिया है, ट्रे में हमने थोड़ा सा ऑयल डाला है, और ऑयल से हम ट्रे को ग्रीस करेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से ऑयल हमारे ट्रे में ज़्यादा चला गया था इसलिए हमने साइड में रख दिया थोड़ा सा, बिल्कुल हल्का सा लगाना होता है। तो ये देखिए, हल्का सा बिल्कुल लगाना होता है क्योंकि हमारी जो बर्फ़ी है वो नीचे चिपके ना। तो ये देख सकते हैं, कलाकंद हमारा बिल्कुल एकदम दानेदार बनके रेडी हो चुका है, और ज़्यादा टाइम नहीं लगाएं। आप देख सकते हैं बिल्कुल आसान तरीका मैंने इस वीडियो में आप सभी को बताया है, एकदम आसान तरीका, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा है और तुरंत ही बनके रेडी हो चुका। आप स्टेप बाय स्टेप बनाना चाहते हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप बना सकते हैं, वरना आप सभी एक बाउल में जो है दूध, शुगर और मिल्क पाउडर आप अच्छी तरीके से घोल लेंगे तो आपका टाइम बचत होगा, यानी टाइम नहीं लगेगा, और आप पैन में डाल के बस फटाफट से इसको बर्फ़ी बना सकते हैं। और स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये देखिए, उसके बाद में हमने इसे बिल्कुल बर्फ़ी के शेप में प्रेस कर देना है, और आप देख सकते हैं बिल्कुल दानेदार कलाकंद एकदम हमारा बनके रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे एकदम प्रेस कर देंगे, और प्रेस करने के बाद में हम इसे छोड़ देंगे 5 से 6 घंटे के लिए इसको जमने के लिए। आपके पास अगर टाइम है तो आप फुल नाइट भी छोड़ सकते हैं, वरना आप 5 से 6 घंटे में ही जम के रेडी हो जाता है। तो अब हम इसे रख देते हैं। तो ये देखिए गाइस,
5 से 6 घंटे के बाद हमने इसे निकाला है और एकदम बर्फ़ी हमारी जो है वो जम के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और उसके बाद में हम इसमें लगाएंगे थोड़ा सा चांदी वर्क। तो ये देखिए चांदी वर्क हमने लगा दिया है थोड़ा सा, आपके पास हो तो आप लगा सकते हैं वरना स्किप कर सकते हैं। वैसे घर में खाने के लिए ना लगाएं तो ये अच्छा है क्योंकि ये फ़ायदा नहीं होता इससे। और उसके बाद में थोड़ा सा हमने इसके ऊपर ड्राई फ्रूट काट दिया, जैसे बादाम बारीक काट के हमने डाल दिया। आप पिस्ता भी डाल सकते हैं या काजू वगैरह भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं गार्निशिंग के लिए। तो उसके बाद में इस तरीके से हमने स्क्वायर पीसेस में हमने इसे कट कर लेना है। तो ये देखिए स्क्वायर पीसेस में हमने कट कर लिया है और ये देखिएगा इस करीब हमारे 8 पीसेस बन के रेडी हुए हैं। और 8 पीसेस 1 कप मिल्क पाउडर से और 1 कप दूध से करीब हमारा 400 ग्राम ये कलाकंद बन के रेडी हुआ है। 400 ग्राम कलाकंद हमारा बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है और ये देख सकते हैं बिल्कुल दानेदार एकदम परफेक्ट कलाकंद हमारा बन के रेडी हुआ है। तो अब हम इसे पीस को अलग कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं एक एक करके। तो ये देखिएगा सभी हमने यहाँ पे पीसेस बाहर निकाल लिया है और आप देख सकते हैं कि एकदम दानेदार हमारा कलाकंद, बिल्कुल परफेक्ट दानेदार हमारा कलाकंद बन के तैयार हुआ है। तो उसके बाद में हमने एक प्लेट में इसे लगा देना है। तो ये देखिए एक प्लेट में हम इसे सजा देंगे, आपकी मर्जी हो तो आप सर्व करने के लिए अच्छी तरीके से लगा सकते हैं। और उसके बाद में इसी तरीके से हमने सभी को इस तरीके से हमने जोड़ के रख देना है, कोई जो भी डिज़ाइन में आप लगाना चाहें वो डिज़ाइन में आप लगा सकते हैं। तो ये देखिएगा इस हमने प्लेट में सर्व करने के लिए रेडी कर दिया है और एकदम परफेक्ट ये हमारा कलाकंद बन के रेडी हुआ। तो मैं आपको अब तोड़ के दिखा देता हूँ गाइस कि एकदम परफेक्ट और कितना सॉफ्ट हमारा कलाकंद जो है वो बन के रेडी हुआ है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल हाथ लगाने से ये टूट जा रहा है और एकदम दानेदार है। मैं आपको एक बार और तोड़ के दिखा देता हूँ, ये देखिए गाइस, ये देखिए गाइस, और मैं आपको फैला के भी दिखा देता हूँ कि कितना सॉफ्ट और दानेदार बिल्कुल बन के रेडी हुआ है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर। मिलते हैं गाइस किसी और वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ, तब तक ले बाय।